हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अभी जो आपका रिजल्ट आया है सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया है, उसमें अगर आपके नाम में, फादर्स नेम में या आपके मार्क्स में एबसेंट या मार्क्स वेटिंग या समथिंग कुछ लिख कर आ रहा है, तो अगर आप उसको सही कराना चाहते हैं तो बोर्ड ने एक फॉर्मेट जारी किया है जिसमें आप वो करेक्शन भर दीजिए और अपने संस्था को जमा कर दीजिए, तो वो संस्था आपके इस करेक्शन को बोर्ड भेज देगी जिससे आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। इसका जो फॉर्मेट है वो आप अपनी संस्था से लेकर उसमें जो करेक्शन है वो आप इसको भरकर संस्था को जमा कर दीजिए। इसमें एक हफ्ते का समय दिया गया है केवल छात्रों को इसको भर करके कॉलेज में जमा करने के लिए, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट है उसका मैं आपको प्रारूप दिखाऊंगा, इसका जो लेटर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको देखकर ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको ये फॉर्मेट भेजना है। जो ये फॉर्मेट है इसको आप अभी देखेंगे और अपने कॉलेज से इसको लेकर जमा कर देंगे, ठीक है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो फॉर्मेट क्या है और वो लेटर क्या है, ठीक है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं जिस लेटर की बात कर रहा था वो लेटर ये है। इस लेटर में आप देख सकते हैं कि आपको क्या आपसे क्या मांगा गया है। इसमें यह मांगा गया है कि अगर किसी छात्र छात्रा का परीक्षा फल अपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है, अवशेष हो, तो जो संलग्न प्रारूप है उस पर अंकित करते हुए प्रमाण और साक्ष्यों को 7 दिवस के भीतर संस्था के प्रधानाचार्य के द्वारा परिषद कार्यालय में भेजना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी त्रुटि है, जो भी दिक्कतें हैं, वो जो प्रारूप दिया हुआ है उसमें आपको भरना है। मैं आपको प्रारूप अभी दिखाता हूँ, लेकिन इसमें जो ईमेल आईडी दी है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप परिषद ने साफ साफ बोला है कि जो भी संशोधन है उसके संबंध में छात्र छात्रा को कदापि न भेजें, ना आपको वहाँ जाना है और ना ही बोर्ड को कोई लेटर डायरेक्ट भेजना है, ठीक है। आपको जो भी करना है वो सारा काम संस्था के प्रधानाचार्य के थ्रू करना है, ठीक है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ फॉर्मेट, ये है वो फॉर्मेट, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या भरना है। इसमें भरना है आपको स्टूडेंट नेम भरना है, एनरोलमेंट नंबर, सेमेस्टर, रोल नंबर, इंस्टीट्यूट कोड एंड नेम, और किस तरह की आपको प्रॉब्लम है, जैसे नाम में करेक्शन करवाना है या फादर नेम में करवाना है या उसमें एबसेंट शो हो रहा है रिजल्ट में, या MW लिख के आ रहा है या इनकम्प्लीट आ रहा है, या सेशनल में कोई दिक्कत है या टोटल मार्क्स में कोई करेक्शन करना है, ठीक है। तो अगर आप इन सब में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसमें ऐसे टिक लगाकर सामने उसका करेक्ट चीज़ जो है वो आप उसके लिख देंगे। अगर आपके नेम में करेक्शन है तो सामने अपना नाम करेक्ट नेम लिख देंगे, फादर्स नेम में है तो यहाँ पर करेक्ट फादर नेम लिख देंगे जो भी दिक्कत है, ठीक है। और फिर यहाँ लास्ट में सिग्नेचर कर देंगे। इसके बाद आपको साक्ष्य के रूप में क्या देना है, अगर आपको नाम में करेक्शन करवाना है तो आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट देना होगा नाम के लिए, और फादर्स नेम में करेक्शन के लिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट देना होगा साथ में। और अगर आपके रिजल्ट में AMW या इनकम्प्लीट लिख के आ रहा है तो आपको अटेंडेंस शीट उसमें साथ में लगानी होगी, ठीक है। और अगर आपको रिजल्ट में कोई करेक्शन करवाना है तो रिजल्ट का प्रिंटआउट साथ में देना होगा आपके इस फॉर्मेट के साथ में, ठीक है। फिर जब ये आप फॉर्मेट और जो आपका जो अटैच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो दोनों संस्था को जमा कर देंगे तो संस्था के प्रिंसिपल उसको यहाँ पर साइन करके संस्था की मोहर लगा के बोर्ड को भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये काम एक हफ्ते के अंदर अंदर करके संस्था में जमा करना है, ठीक है। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपके काम की है तो इसको ज़रूर करिए, और आपके काम की नहीं भी है तो आप अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए जिससे उनके शायद किसी काम आ सके, ठीक है। थैंक यू।